जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और शानदार मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हरा दिया है और गुजरात टाइटंस के इस मुकाबले को जीतने के बाद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में खलबली मच गई है। दोस्तों आपको आईपीएल से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ले जाएगी, हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की, जो कि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत करके बॉलिंग करने का निर्णय किया और वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन की पारी सुमन गिल ने 56 रन की पारी खेली और डेविड मिलर ने 46 रन की पारी और अभिनव मनोहर ने 42 रन की पारी खेल डाली। और वहीं पर मुंबई इंडियंस की ओर से बल्लेबाजी की बात करें तो मुंबई इंडियंस की ओर से निहाल वदेरा ने सबसे ज्यादा रन 40 रन की पारी खेली और कैमरन ग्रीन ने 33 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने 23 रन की पारी खेली। और वहीं पर गुजरात टाइटंस की ओर से बॉलिंग की बात करें तो गुजरात टाइटंस की ओर से सबसे ज्यादा 2 विकेट पीयूष चावला ने चटकाए, उसके बाद अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट चटकाया और जेनसन बेंद्रोफ ने 1 विकेट चटकाया। और वहीं पर मुंबई इंडियंस की ओर से बॉलिंग की बात करें तो मुंबई इंडियंस की ओर से नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और राशिद खान ने 2 विकेट और मोहित शर्मा ने 2 विकेट चटकाए। और आखिर में गुजरात ने 207 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और मुंबई इंडियंस केवल 152 रन 9 विकेट के नुकसान पर ही बना पाई और गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया और आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों अभी जानते हैं आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल। तो दोस्तों नंबर 10 पर अभी भी चल रही है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने अभी तक कुल मिलाकर के 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दिल्ली 2 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी है। दिल्ली के 4 पॉइंट्स है और दिल्ली का नेट रन रेट -0.961 है। नंबर 9 पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने अभी तक कुल मिलाकर 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबले हारे हैं। हैदराबाद के 4 पॉइंट्स हैं और हैदराबाद का नेट रन रेट -0.725 है। नंबर 8 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबले में जीत मिली है और 5 मुकाबले में हार। कोलकाता के 4 पॉइंट्स हैं और जिसका नेट रन रेट -0.186 है। नंबर 7 पर है मुंबई इंडियंस, मुंबई ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वे 3 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हारी है। मुंबई के 6 पॉइंट्स हैं और मुंबई का नेट रन रेट -0.620 है। नंबर 6 पर है पंजाब किंग्स, जिसने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। पंजाब के 8 पॉइंट्स हैं और पंजाब का नेट रन रेट -0.162 है। नंबर 5 पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बैंगलोर ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। बैंगलोर के 8 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट -0.008 है। नंबर 4 पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने कुल मिलाकर के अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। लखनऊ के 8 पॉइंट्स हैं, जिसका नेट रन रेट 0.547 है। नंबर 3 पर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। राजस्थान के 8 पॉइंट्स हैं, जिसका नेट रन रेट 0.844 है। नंबर 2 पर है गुजरात टाइटंस, जिसने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। गुजरात के 10 पॉइंट्स हैं, जिसका नेट रन रेट 0.580 है। नंबर 1 पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। चेन्नई के 10 पॉइंट्स हैं, जिसका नेट रन रेट 0.662 है।